हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलसी रसोईया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बनाएंगे अलग तरीके से गोभी का पराठा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये गोभी ले लिया मैंने 250 ग्राम, इसको घिस लिया था, हरा धनिया, एक हरी मिर्च, ये मैंने पहले ही बना लिया था इसलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और आधा टीस्पून नमक। ऐसे इसको सब मसाले मिला के, और कोई मसाला नहीं डालना है क्योंकि सिर्फ गोभी का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अब ये देखिए, हमने दो लोई ले ली है, इनको ऐसे बेल लिया है। इससे ना तो आपका पराठा फटेगा ना ही पिट्ठी बाहर निकलेगी, और बहुत अच्छा और टेस्टी बनेगा और बहुत क्रिस्पी बनेगा। देखिए, अब हम इस पर एक रोटी पे, छोटी रोटी जो हमने बेली थी उसके ऊपर हम पिट्ठी रख देंगे अच्छे से फैला के, और उसके ऊपर ये ऐसे धीरे धीरे हाथ से दबा के इसको बंद कर देंगे, चारों तरफ से लॉक कर देंगे। आप चकले पे थोड़ा सा आटा डालेंगे, सूखा आटा, और इसको चकले पे रख के धीरे धीरे हाथ से दबाते हुए हमको, आप इसको ऐसे भी बेल सकते हो और हल्का सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा के बेलन से भी बेल सकते हो। तो जैसे आपका मन हो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो बेलन से बेल लीजिए। ये देखिए ऐसे ना, तो ये देखिए पिट्ठी भी बाहर नहीं निकली है और ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। अभी जब सिक जाएगा तब आप देखिएगा। तो हम इस पर घी लगाते हैं, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक तरफ से सिक जाएगा, अब हम दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। अच्छे से और इसको दोनों तरफ से सेकेंगे जिससे क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए कहीं से भी पिट्ठी बाहर नहीं निकली है और पूरा लॉक है ये चारों तरफ से। और ये देखिए कितना क्रिस्पी अभी से हो गया, ये थोड़ा और सेकेंगे तो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए आप चाहें तो थोड़ा और क्रिस्पी कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और ये पूरा खुल भी जाएगा। आप देखिए, मैं आपको खुल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरी तरह से ऐसे, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत अच्छी लगती है। इसमें ना पिट्ठी पूरी अच्छे से फिल होती है और अच्छे से चारों तरफ फैलती है, यानी कि बीच में से नहीं फैलेगी और चारों तरफ फैली है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी, आपके पराठे कैसे बने। और आप इसको दही और मक्खन के साथ सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो अचार के साथ भी खा सकते हैं या हरी चटनी के साथ भी। मेरे पास दही और मक्खन अवेलेबल था इसीलिए मैं उसके साथ ही सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, गोभी, धनिया और हरी मिर्च पूरा अच्छे से फैला हुआ है चारों तरफ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। और अगर आपको ऐसी कोई और रेसिपी जानना चाहते हैं आप, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।